टाई के ये रबड़ बैंड बनाए हुए हैं। इसमें इसकी जो विड्थ है वो कम है, और इसमें मैंने इसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। तो आप ये जो कपड़ा, आप इसकी जितनी चौड़ाई लेंगी, इसकी ये चौड़ाई आप जितनी लेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये चौड़ा या फिर ये पतला बनेगा। और मैं अब जो बना रही हूँ वो इस कपड़े की पीस की ये चौड़ाई मैंने 5 इंच रखी है, और इसकी ये लंबाई 26 इंच रखी है। अब हम इसका सीधा साइड अंदर रखेंगे और ये उल्टा साइड, इसका ये उल्टा साइड, और हम इसको ऐसे करके स्टिच कर देंगे। इसके किनारे यहाँ से हम यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। इसका किनारा सिलने के बाद इसके दोनों साइड ओपन कर लें और इसे प्रेस कर लें। ये इसकी उल्टी साइड है और इसकी सिलाई भी उल्टी साइड है और इसका सीधा साइड अंदर है। अब हम इसे इसकी उल्टी साइड से ही ऐसे बिछाएंगे, और बिछाने के बाद इसका ऊपर का सिरा हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे यहाँ से, और देखिए यहाँ से, और इसको यहाँ से खिसकाते जाएंगे और आगे सिलाई लगाते जाएंगे। किनारे सिलते जाएं और ये पीछे से ऐसे पकड़ के और यहाँ से धीरे धीरे इसको खिसकाते जाएं आगे को, और इस तरीके से इसको सिलते जाएं। पीछे होल्ड करके आगे से कपड़ा निकालें। ये देखिए, अब हम इसको यहाँ से इलास्टिक डालने के लिए और इसको सीधा करने के लिए हम इसका मुंह थोड़ा सा खुला रखेंगे, जिससे कि हम इसको आसानी से पलट सकें। इसको हम पहले थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, इसके बाद रख लेंगे। इस तरीके से जितना खुलता है आप इसको ऐसे फैला लीजिए। फैलाने के बाद जो हमने स्टिचिंग छोड़ी हुई है यहाँ पर, ये हमारा खुला सिरा है, यहाँ मैंने स्टिचिंग नहीं की। यहाँ से ये भीतर का कपड़ा ऐसे बाहर खींच करके आराम से इसको पलट लेंगे। ये देखिए, आराम से खिसकाते हुए इसको पलट लीजिए। कपड़े को सीधा करने के बाद मैंने इलास्टिक ली। मेरे पास ये मोटी इलास्टिक थी, आप इससे पतली इलास्टिक लें, वैसे ये भी सही है। और मैंने इलास्टिक की लंबाई रखी है 8 इंच। अगर आपके बाल ज़्यादा मोटे हैं तो आप इसको 9 इंच या अपने बालों की मोटाई के अकॉर्डिंग रख सकती हैं। मैं यहाँ पर 8 इंच रख रही हूँ। कट करने के बाद मैंने एक आर पिन लिया है और इस तरीके से फंसा करके ये जो हमारी सिल हमने स्टिचिंग यहाँ पे छोड़ी हुई है वहाँ से इसको
इस तरीके से निकाल के और इसको मशीन में इस यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया है और स्टिच करने के बाद इसको अंदर करके इसके खुले किनारे को मशीन से इसको इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए सुंदर सा रबर बैंड घर में बेकार पड़े कपड़े से हमने बनाया है, आप भी बनाइए। साड़ी, निट के कपड़े का पीस और इसका इस तरह।